गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज हम पढ़ेंगे अपना कैलकुलस, है ना। देखो, 11th और 12th क्लास में हमारा मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो कैलकुलस ही है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू देता हूँ कैलकुलस होता क्या है। भाई कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस मीन्स स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज, लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, जो चेंज हो रहा है ना, चीजें जो कंटिन्यूअसली बदल रही है, उसकी स्टडी को ही बोलते हैं कैलकुलस। फॉर एग्जांपल, भाई हम अगर लिखते ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ शेप्स, मेंसुरेशन, स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स, है ना, अलजेब्रा, स्टडी ऑफ इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस, है ना। तो इसी तरह से कैलकुलस क्या होता है? कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ कंटिन्यूअस चेंज। ठीक है, तो कैलकुलस हमारा तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है। सबसे पहला डिफरेंशियल कैलकुलेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकेंड वन इंटीग्रल कैलकुलस। थर्ड वन इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल मेन हमारा मेजोरिटी यही दो पार्ट होते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं डी अपॉन डीएक्स। अच्छा, 11th में आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल मीन्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, टू ब्रेक मीन्स तोड़ना। हम किसी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। भाई इसमें बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो तो हम पढ़ेंगे, टाइम आने पे आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल देखो, अगर हम एक ब्रॉड वे में मीनिंग ले, एक बड़े स्तर पे इसके मीनिंग को समझे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड से, किस रेट से कोई चीज बदल रहा है। और अगर हम वन वर्ड में बोले तो हम बोल सकते हैं टू ब्रेक मीन्स तोड़ना। ठीक है, नाउ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस को ही हम क्या बोल देते हैं, इंटीग्रेशन। आपको पता होगा इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? भाई इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है क्या, टू एड अप, मतलब समेशन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल फैक्टर्स टू डिटरमाइन अ होल, मीन्स छोटे 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 पार्ट्स को तोड़ के, है ना। मान लो ये हमारा एक बहुत बड़ा कोई सिस्टम है, इसका छोटा सा पार्ट को तोड़ा है, इसको बोलते हैं डीएक्स, इसको बोलते हैं डीएक्स, इसको बोलते हैं डीएक्स, इस डीएक्स डीएक्स को जोड़ के ये पूरा क्या बन जाता है, एक्स। तो इसको तो हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को अगर हम एक वर्ड में बोले तो हम ये बोल सकते हैं टू सम अप, समेशन, टू एड अप मीन्स जोड़ना। ना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को हम बोलते हैं फंक्शन थ्योरी, ये एक अलग चीज होती है, ये भी सिलेबस में होगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल हम फोकस करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन बच्चों और इंटीग्रेशन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th और 12th में। लगभग लगभग 11th 12th की पूरी बेस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दो चीजें हमारे पास है ना। जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इन दो चीजों में हमें क्या मिलता है देखने को, अगर हम ध्यान से देखें और इसके ब्रॉड मीनिंग में समझने की कोशिश करते हैं, तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है हमारा एक कंटिन्यूअस सम, है ना। और डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, डिस्क्रीट सम। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है, सपोज करो यहां से आपको ये ग्राउंड है, ऊपर चढ़ना है यहां पे, तो
हम क्या लगा देते हैं, एक स्लोप लगा देते हैं, यहां से चले के चलेंगे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। और डिस्क्रीट सम मतलब आपको यहां से यहां चलना तो आप क्या करेंगे, सीढ़ी का यूज करेंगे, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है इसकी, ठीक है। तो ये तो हमारा डिफरेंस होता है बेसिक सा भाई। इंटीग्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल होता है ये सांप जैसा इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन को क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एक्स। सपोज कर तुम्हें इंटीग्रेट करना है किसी किसको, एक्स को, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के। डिफरेंशिएट करना है किसको, एक्स को, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के। भाई अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये एक्स डी एक्स क्या है, अभी नहीं आ रहा होगा ना। देखो इसमें दो तीन चीजें होती है, बेटा हमने लिखा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, एफ मीन्स एफ है फंक्शन और एक्स क्या इसका वेरिएबल, मतलब मान लो एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है ये फंक्शन है किसका, एक्स का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेट करने को, इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में हम क्या लिख सकते हैं भाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, हमें क्या करना है, एफ एक्स का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन, इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू ये है, डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ऑफ एक्स स्क्वायर। वो बात की बात है, इसको भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रूल क्या होता है। तो बेसिक आपको समझ आएगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर देखो इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा होता है डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल, अच्छा नाम से आपको क्लियर हुआ, डेफिनेट मतलब क्या होता है, जो फिक्स हो, जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो उसको क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, कोई भी लिमिट की जरूरत नहीं होती है ना, नो लिमिट रिक्वायर्ड। और इनडेफिनेट में क्या होता है, लिमिट रिक्वायर्ड है ना। थोड़ा सा मैं उल्टा दीजिए, इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं चाहिए और डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं ये लिमिट वगैरह क्या होती है, लिमिट क्या चीज होती है ये पढ़ना है हमें। तो ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों, हम ये पढ़ रहे थे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट में क्या डिफरेंस होता है। इनडेफिनेट में क्या होता है, नो लिमिट इज नीडेड एंड डेफिनेट में नो लिमिट नीडेड। इस लिमिट का मतलब क्या होता है भाई, हमने इंटीग्रेट किया किसी भी एफ फंक्शन को डीएक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पे क्या होगा, हमने इंटीग्रेट किया किसी भी एक्स फंक्शन को डीएक्स के रिस्पेक्ट में, सेम चीज हुई, बट यहां पे हम क्या करते हैं, ए से बी तक एक लिमिट डिफाइन कर देते हैं, आपने पढ़ा हुआ 11th क्लास में है ना। तो ये क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल, ये हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें क्या चीज आता है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रल जब भी हम करते हैं, इसका मान लो हमारा इंटीग्रेशन हुआ एक्स प्लस सी, सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट इज मैंडेटरी है ना। कोई भी कॉन्स्टेंट हमें चाहिए होता है, और इसमें क्या होता है, नो कॉन्स्टेंट नीडेड, इसमें कोई भी कॉन्स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, बिकॉज इंटीग्रल इज
इटसेल्फ अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, खुद एक कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। वी फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए देखिए, अगर मैं ये करूं, एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है भाई, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर का। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ, देखो यहां से फॉर्मूले की शुरुआत होगी, एक्स की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर एन इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर का इंटीग्रेशन होता है वन बाय एन एक्स एन प्लस वन, ठीक है ये होता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर थ्री अपॉन में थ्री और प्लस में सी, ठीक। इसका कोजिट अगर इंडेफिनेट में हम करते तो हम ऐसे लिखते, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, मान लो मैं लिमिट लिखी जीरो से वन तक ना, तो भाई इंटीग्रेशन करके क्या आएगा हमारा, एक्स की पावर थ्री बाय थ्री जीरो से लेके वन तक, हम यहां पे ऐसे लिखते वन बाय थ्री कॉमन आ गया, एक्स की पावर थ्री जीरो से लेके वन तक, है ना। और क्या लिखा जाता, वन बाय थ्री वन की पावर थ्री भाई, सबसे पहले मैं इसको यहां रखा, फिर कहां रखेंगे इसको, रखें जीरो की पावर थ्री, है ना। तो क्या जाता, वन की पावर थ्री, ये जीरो की पावर थ्री कितना आता हमारा, वन बाय थ्री ही आंसर आता, जो खुद क्या एक कॉन्स्टेंट है। समझ आया भाई, यहां पे हम कॉन्स्टेंट क्यों नहीं लगाते, क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई लिमिट में हम कॉन्स्टेंट सी क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल होता है ये खुद एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट आया। और डेफिनेट में जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा कुछ वेरिएबल होता है, इसलिए इसके साथ एक कॉन्स्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हुआ डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का। आगे कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनको आप लोग ध्यान से देखिए और लिखिए, क्योंकि इन फॉर्मुलेज का वैसे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हर चीज का है बुक में, बट कुछ ऐसे फॉर्मुलेज हैं जिनको हमें बाय हार्ट याद ही करना पड़ेगा, उनको याद कीजिए, ठीक है। आगे देखते रहिए, देखो बच्चों हमारे कुछ इंटीग्रल फंक्शंस हैं जिनको मैंने पहले से लिख रखा है ना, टाइम वेस्ट ना हो, क्लास लेंथी ना हो, इसलिए थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है। तो आपको सब दिख रहा है साफ साफ, तो देख लीजिए एक बार, ये वैसे तो बाय हार्ट याद करने की चीजें हैं, आपको बुक में बहुत सारी जगह नेट पे बहुत सब हर जगह मिल जाएगा, है ना। बट फिर भी मैं शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको ये बाय हार्ट याद हो, ठीक है, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको इन्हें याद करने को नहीं बोलूंगा कि आप इन्हें याद करो, क्रैम करो ना, आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते आप देख के करिए, क्वेश्चन में आपको ये नहीं आ रहा इसका इंटीग्रेशन, आप देखिए, और देखते देखते क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, एक्स की पावर एन डी एक्स, ठीक है भाई, इससे पहले हमने एक थोड़ा सा गलत कर लिया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ एल लिखा था, ये देखिएगा, ठीक है, x की पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस वन और n प्लस वन प्लस c, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि x की पावर 2, मैंने भी किया था इससे पहले, है ना, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर 2 प्लस वन मीन्स 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। उसके बाद देखिए अगर हम एक्स को ही करते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, वन है ना, तो इसका क्या होगा, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस सी, cos x dx का, मतलब cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, sin x प्लस सी, इसी तरह साइन का क्या होगा, माइनस का cos x प्लस सी, साइन का बिल्कुल बहुत ध्यान रखना, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, है ना, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन cot x प्लस सी, माइनस का
ये ध्यान रखना, साइन का अपोजिट कॉस होता है और इन दोनों में क्या लगता है, यहां माइनस और यहां माइनस, ठीक है, याद रख सकते हैं हम आराम से। sec x dx, sec x tan x dx है ना, sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या था, sec x, इसी तरह cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस का cot x। मैंने जानबूझ के अल्टरनेट नंबर्स पे लिखे हैं, देखिए यहां माइनस है, यहां माइनस है, यहां माइनस है, ठीक है, आप भी इसको इसी तरह से याद रखेंगे, साइन का अपोजिट माइनस का कोस एक्स, कोस एक्स स्क्वायर का अपोजिट माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक एक्स, ठीक है। यहां भी एक बार हम देखते हैं, ये तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन हुए, ठीक है, यहां पे हम देखते हैं डीएक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, या फिर माइनस का कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, भाई हम याद रख सकते हैं साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है, तो ये लिख सकते हैं, ठीक है, और वन प्लस एक्स स्क्वायर हो, है ना, तो क्या लिखेंगे, रूट में नहीं है, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। डीएक्स अपॉन एक्स में एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस कर, तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये सारे हमारे इंटीग्रेशन है, इनको याद रखना है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं इनको हम, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, फिर एक्सपोनेंट ऑफ एक्स डीएक्स, कहीं ऐसा आता है तो इसका आंसर क्या हो, कुछ नहीं, सिर्फ ई एक्स प्लस सी, है ना, सपोज करो ई की पावर फाइव डी एक्स, तो कितना आएगा, सिर्फ ई की पावर फाइव प्लस सी, एक्सपोनेंट ऑफ फाइव प्लस सी, ठीक है। dx अपॉन x मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाय एक्स डी एक्स बाई वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड ऑफ x प्लस सी, ax का इंटीग्रेशन होता है ax अपॉन log a प्लस सी, a का इंटीग्रेशन होता है ax प्लस सी, ठीक है। देखो मैंने ये कर भी रखा है क्योंकि क्वेश्चन है बुक में, प्रूफ करने को जनरल एक दो नंबर में आ जाता है, तो भाई देखो हमें प्रूफ, हमें इंटीग्रेट करना है ax को, हमने ले लिया i इज इक्वल टू ax, हमने मान लिया y इज इक्वल टू ax, ठीक, अब इन दोनों का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या हो गया, dy ax, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ax का, ax log a, इसका डिफरेंशिएशन किया आपने पढ़ा होगा पहले, दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया, सिर्फ y का हो गया dy और ax का होता है ax log a, है ना, अब log a कहां गया, इसके नीचे यहां क्या बच गया, सिर्फ ax dx, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ठीक। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन था ax dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भाई इसको यहां लिख सकते हैं ले जाके, है ना, तो वैल्यू कितनी आ गई, ax dx की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने लिखा dy अपॉन log a, ठीक है भाई, इंटीग्रेशन करते हैं इसका दोनों साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, y dy का y अपॉन में log a प्लस c, है ना भाई, ऐसे लिखते हैं ना, वन अपॉन log a और इंटीग्रेशन ऑफ y, इसको ऐसे, तो dy का इंटीग्रेशन y अपॉन में log a प्लस c, इसको हटा देते भाई, y की इक्वल क्या था ax, हमने यहां दोबारा से क्या रख दिया, ax अपॉन में log a प्लस c, तो कितना आंसर है, ax अपॉन में log a प्लस c, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने में कई बार आ रहा था, इसको ध्यान रखिएगा, वैसे तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सारी चीजें याद रखिए, सब और भी आएंगी, और भी चीजें हैं इसमें, बट इनको फिलहाल फॉर्मूलों को याद रखिएगा तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी होगी, है ना, क्योंकि एग्जाम में कहीं लिखे हुए नहीं होंगे, अभी तो हम देख लेते हैं, हमने एनसीईआरटी सॉल्व करनी शुरू करी तो हम क्या करते हैं, हमने पेज पलटा और पीछे देख लिया, पेज पलटा पीछे देख लिया, पेज पलटा पीछे देख लिया, भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास बुक नहीं होगी, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो इसको आप कोशिश कीजिए, आपको ये याद हो, आपको बाय हार्ट ये लर्न और टिप्स पे होने चाहिए, है ना, तो बने रहिए मेरे साथ, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सेकंड क्लास में ये आपका इंटीग्रेशंस का थोड़ा सा बेसिक मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है, सिर्फ इतने ही फॉर्मूले नहीं है, और भी है कुछ फॉर्मूलेस, हम वो क्वेश्चन करने के साथ करते जाएंगे, बस आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा हो, आसान लगा हो, तो साथ के साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए,
देखो बच्चों, ये जो वीडियो है ये मैं आपको फ्री में देता हूँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, है ना। आप ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग में जाएंगे तो महंगी महंगी फीस देंगे, पढ़ेंगे ये चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मार्स और मून से नहीं है आपको पढ़ाने। हमारे जैसे लोग ही पढ़ाएंगे, हमारे जैसे टीचर्स ही पढ़ाएंगे, हो सकता है हमसे थोड़े से अच्छे हों, हमसे थोड़े से बेकार हों, है ना, बट पढ़ेंगे आप लोग यही। और यहाँ पे आपका कुछ नहीं लगता, सिर्फ यहाँ पे एक सब्सक्राइब लगता है, एक सब्सक्राइब करना, एक शेयर करना, एक लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स, योर सजेशंस, योर फीडबैक, योर कंप्लेंट्स, ओके, कि सर आप तेज पढ़ा रहे हैं, धीरे पढ़ाइए, आप और तेज पढ़ाइए, सिलेबस वगैरह वगैरह के क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लेंट कीजिए, सजेशन दीजिए, कुछ भी कीजिए, बट कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सजेस्ट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा बेसिक्स था इंटीग्रेशन का, कैलकुलस का, मेनली हमने इंटीग्रेशन पार्ट इसमें पढ़ा है, डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे वो, क्योंकि 11th क्लास का है, अभी बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो मैं सिर्फ 12th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।